हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड के गुलाब जामुन, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्ट लगते हैं और बहुत ही रसीले बनकर तैयार होते हैं। तो सबसे पहले ले लेंगे शक्कर, जो हम चाशनी बनाएंगे। तो शक्कर मैंने 1 कप भर के लिया था और साथ में 1 गिलास पानी डाल देंगे और साथ में 2 इलायची कूट के डाल दिया है और शक्कर को पिघलने देंगे। गैस का फ्लेम हम ऑन कर देंगे। साथ ही में मैंने डाल रही हूँ 7 से 8 केसर के धागे। आपके पास हैं तो डाल लेने, तो टोटली ऑप्शनल है। और डाल के अच्छे से मिक्स कर देना है। शक्कर को हम घुलने देंगे तब जब तक हम क्या करेंगे, ब्रेड हमारे हैं जो स्लाइस काट लेंगे। ब्रेड के जो कॉर्नर है ना, वाइट वाले पार्ट, वो हम काट के निकाल लेंगे। यहाँ पर चाशनी उबल रही है, जब तक चाशनी उबलेगी तब तक हम ब्रेड को साइड के पार्ट निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से जो ब्राउन वाला पार्ट रहता है उसको निकाल लेना है। अगर आपको नहीं निकालना तो आप नहीं भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वैसे भी तलने के बाद उसका कलर तो ब्राउन ही हो जाता है। तो इस तरह से मैंने ब्रेड के सारे स्लाइस काट लिए हैं चारों तरफ से। और यहाँ पर मैंने 12 ब्रेड लिया था गिन के। तो आपके पास जितने हों आप ले सकते हैं, आपको जितना पसंद मतलब बनाना हो। तो यहाँ पर लगभग चाशनी बनकर तैयार हो गई। कलर कितना अच्छा है, केसर हमने डाला था। आपको अगर फूड कलर ऐड करना है तो फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, आपके ऊपर है। आपको जो पसंद है आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड के स्लाइस कट कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसे तोड़ लेंगे दोनों हाथों से। आप चाहे तो मिक्सर में भी ग्राइंड कर सकते हैं, पर हाथ से भी आसानी से ये हो जाता है। इसी हम क्या करेंगे, अच्छे से तोड़ लेंगे और हम इसे आटा तैयार। ये ब्रेड का गुलाब जामुन बहुत ही मस्त बना था और बहुत ही रसीले बने थे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैंने मतलब गुलाब जामुन ब्रेड से बनाए हुए हैं। घर पे सबको बहुत पसंद आया था। तो यहाँ पर मैंने दूध लिया है, दूध अच्छा रूम टेम्परेचर का ही है। और दूध ये जो मेज़रमेंट कप है, 1/4 कप दूध है, तो उतना दूध लग गया था। और 1 टी स्पून और जितना दूध लगा था। तो थोड़ा थोड़ा करके हमें आटे को सान लेना है, एक साथ हमें नहीं डालना है। थोड़ा थोड़ा करके सानेंगे तो आपको परफेक्ट मेजरमेंट मिल जाएगा। तो इसी तरह से आटे को अच्छे से सान लेंगे मसल मसल कर। तो आप देख सकते हैं आटा गूंथ लिया है मैंने। थोड़ा सा दूध और लगा था, 1 टी स्पून के करीब, तो मैंने वापस से डाल लिया है और आटा इकट्ठा हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, अमूल का मिल्क पाउडर आता है ना, वो मैंने ऐड किया है। आपके पास कोई भी ब्रांड का हो तो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 टेबल स्पून अमूल का मिल्क पाउडर ले रही हूँ। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा लग ही नहीं रहा था कि मतलब ब्रेड का गुलाब जामुन है। और 1 चम्मच भर के घी, घी से अच्छा चिकनापन आ जाता है और जो गुलाब जामुन बनते हैं उसमें क्रैक्स नहीं आते हैं। तो अच्छे से हमें दोनों चीज़ों को मिक्स करना है और जो हमारी हथेली रहती है ना, उसकी सहायता से अच्छे से हमें मसल मसल कर आटे को अच्छे से गूंथ लेना। आप देख सकते हैं वीडियो में मैं कैसे दिखा रही हूँ, इसी तरह से आपको हथेली से अच्छे से दबा दबा के मसल लेना है, ताकि एकदम सॉफ्ट, जैसे अपना वो पाउडर आता है ना गुलाब जामुन का या फिर खोया मेवा का बनाते हैं, सेम वैसे ही हो जाता है। आपको लगेगा ही नहीं कि ये ब्रेड का है आटा, बहुत अच्छे से सॉफ्ट होकर तैयार हो जाता है। तो इस तरह से आप जितना आप मसलेंगे, 5 से 6 मिनट मसलेंगे ना, अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है, बिल्कुल लगेगा ही नहीं कि ये हमने ब्रेड का आटा गूँथ कर तैयार किया है। तो इस तरह से आप गूँथ लीजिए और आटा तैयार है। अब हम क्या करेंगे, छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। तो इस तरह से बॉल्स बना लेना, आप साइज़ अपने हिसाब से रख सकते हैं जैसा आपको पसंद है। तो उसमें क्रैक्स नहीं होने चाहिए, बिल्कुल चिकना होना चाहिए। आप चाहे तो घी भी लगा सकते हैं, पर घी डाले हैं तो घी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वैसे आप चाहे तो लगा सकते हैं। इसी तरह से छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे हम। और बहुत ही आसान सी रेसिपी है और इतनी जल्दी बन जाता है, कम से कम 10 मिनट का समय लगा होगा बनाने में, 10 मिनट से भी कम समय लगता है, तो फटाफट से बन जाता है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करना ये रेसिपी को, और बहुत ही टेस्टी बना था रेसिपी गुलाब जामुन। तो एक बार आप ट्राई करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप
वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा मेरी वीडियो को, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो इस तरह से छोटे छोटे बॉल्स हमें बना लेना है, बहुत बड़े बॉल्स नहीं बनाना है और ना ही ज़्यादा छोटे, जैसा आपको पसंद है आप उस हिसाब से बना सकते हैं। तो यहाँ पे तेल गरम हो गया है, मैंने यहाँ पे तेल लिया है, आप चाहे तो घी भी ले सकते हैं जो आपको पसंद है, जो आपके पास है। तो बॉल्स बनकर सब तैयार हैं, मैं क्या करूँगी धीरे धीरे एक एक करके बॉल्स को डाल दूँगी अच्छे से। यहाँ पे मैंने नॉनस्टिक का कढ़ाई लिया है, आपके पास जो भी पैन हो आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तेल हल्का गर्म है, बहुत ज़्यादा तेल गर्म नहीं रहना चाहिए, हल्का मीडियम में रहना चाहिए। और सारे गुलाब जामुन को डाल के हमें फ्लेम को लो कर देना है, और लो फ्लेम में ही हमें अच्छे से पका लेना है। तो इस तरह से आप चलाएंगे तो अच्छे से चारों तरफ से कलर आ जाएगा, अच्छा इवनली कलर आ जाता है, बहुत सुंदर कलर आता है। तो आप चाहें तो स्पून की सहायता से चला सकते हैं। ब्रेड का अक्सर हम सैंडविच या ब्रेड पकौड़ा वगैरह ही खाते हैं, तो इस तरह से गुलाब जामुन भी बना के खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और स्वीट में अगर कुछ खाने का मन है तो ये इससे बड़ा ऑप्शन कुछ हो ही नहीं सकता। तो अच्छा बनकर तैयार हो गया है हमारे गुलाब जामुन। तो ये चाशनी हल्की सी गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रहता है, हल्का सा गर्म रहेगा तो हम क्या करेंगे सारे गुलाब जामुन को डाल देंगे, और इसे 3 से 4 घंटे इसे छोड़ देंगे तो अच्छे से चाशनी में एब्जॉर्ब हो जाएगा गुलाब जामुन। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ गया है, और लग ही नहीं रहे कि ये मतलब ब्रेड के गुलाब जामुन हैं, बहुत ही टेस्टी बने थे और बहुत ही ज़्यादा। तो मैं आपको एक काट कर दिखा रही हूँ, तो आप देख सकते हैं इसका कितना अच्छा अंदर से रस पी गया है। तो इस तरह से आप ज़रूर ट्राई करिएगा ये रेसिपी को, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी ये वीडियो। बहुत ही आसान तरीका है और खाने में एक नंबर लगता है, एक लाजवाब। तो रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। के लिए मैं ऐसे ही नई नई रेसिपी और लाऊंगी, तब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।